हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है और आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू टाइप का है, जो अब लेटेस्ट पैटर्न आपका ऐड हुआ है। तो पहले हम एमसीक्यू को क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इन एन एपी इफ ए इज इक्वल्स टू 21 एंड डी इज इक्वल्स टू -3 एंड an इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब a क्या होता है, आप सभी को पता है कि a जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म होती है, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, an लास्ट टर्म। अब वो कह रहा है एन, तो बेसिकली समझ लीजिए जैसे आपने पैटर्न शुरू करा होगा, कभी पढ़ा होगा आपने, तो पैटर्न में क्या होता है आपकी फर्स्ट जगह पे कौन खड़ा है, 21। अब अगर आपको दिस इज ए वन, ए टू निकालना है तो ए टू का फॉर्मूला होता है ए वन प्लस डी। इस समय आपका ए वन 21 है और डी क्या होगा आपका -3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 18। तो ए टू टर्म क्या आ गई 18। इस तरीके से अगर आपको ए थ्री निकालना है तो आप दोबारा से डी प्लस कर दीजिए और उससे ए टू आ जाएगी एंड सो ऑन। तो ये कह रहा है कि इस तरीके से एक एपी बनी हुई है और हमें ये पता करना है कि इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी है, उसी को हम एन बोलते हैं। जैसे एक लाइन है, लाइन ये 21 से शुरू हो रही है, तो 21 लाइन में कितने लोग खड़े हुए हैं उससे हम बोलते हैं एन। अब एन निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो व्हाट इज ए आपको पता है कि कितना है 21। एन आपको निकालना है नहीं पता है, डी है -3 एंड जो ए एन है ए एन आपका 0 है। ए एन कितना है आपका 0, तो ए एन की जगह क्या रख देंगे 0। जो चीज प्लस हो रही है इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, एन -1 -3। नाउ इसकी आप ऐसे कर सकते हो, ये दोनों आपस में टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो -3 को नीचे ले जाइए और इधर आके जब वो आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 7 जो माइनस हो रहा है 1 यहां पर इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो जो आपका एन आया है वो आया है 8। तो इस तरीके से आप एन बता सकते हो कि ये जो आपकी एपी बन रही है इसमें टोटल एन टर्म्स है, मींस एन इन द सेंस 8 लोग इस लाइन में एपी में खड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब बात आती है कि हेमिस्फेयर कौन सी शेप होती है। बहुत सारे बच्चों को आप में से पता नहीं होगा कि हेमिस्फेयर क्या होता है। तो जो बाउल शेप शेप होती है उसे बोलते हैं हेमिस्फेयर, मीन्स जो कटोरी की तरह जो शेप होती है उसको बोला जाता है हेमिस्फेयर। अब इसमें जो आपका रेडियस है विच इज 14 सेंटीमीटर, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 3πr². अब इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप हमेशा 22/7 लेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में दे रखा होता है कि 3.14 लेनी है। सो हमने 22/7 लिख दिया। अब हमारा जो आर है, आर कितना था हमारा 14, इसको दो बार प्रोडक्ट कर देंगे, 7 के टेबल में 14 2 पे आता है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1848,
सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म, और हमने टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर। तो बेसिकली 10 ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, लेकिन 1 से तो शुरू होने चाहिए लेकिन वो ऑड भी होने चाहिए। ऑड कौन से नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, तो यानी कि 1 से स्टार्ट होने नेचुरल नंबर लेकिन ऑड, ये ऑड है बिकॉज 1 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता। 1, उसके बाद 3, 5, तो इस तरीके से हमारी एपी बन गई है। अब हमें इन नंबर्स का सम निकालना है। तो बेसिकली इस लाइन में कितने नंबर खड़े हुए हैं, 10, तो जो हमारा एन है वो 10 हो गया। ए जो है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, वो हमारा 1 हो गया। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, वो होता है ए टू माइनस ए वन, ये ए वन होती है ए टू ए थ्री एंड सो ऑन। तो ए टू इज 3 माइनस 1 विच इज 2, ये डी हो गया। अब हमें निकालना है सम, तो सम का फॉर्मूला होता है एस एन एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब हम इधर चीजें प्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। इधर जो है n वो 10 है डिवाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई a इज 1 एंड 10 माइनस 1 इंटू डी इज 2। इसको कट करा ये 5 आ गया, 5 2 बन जा 2 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 इंटू 2। नाउ 5 2 प्लस 9 2 जा 18 एंड 18 प्लस 2 इज 20 एंड 20 इंटू 5 वी हैव गॉट 100। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि अगर हम 10 ऑड नेचुरल नंबर को सम करते हैं, उसका सम निकालते हैं, तो हमारा आंसर 100 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाउ मैनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, विच मीन्स टू डिजिट के कितने नंबर हैं जो 3 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाते हैं, मतलब 3 के टेबल में आते हैं। टू डिजिट स्टार्ट वैसे हमारी 10 से होती है, बट 10 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। तो स्टार्टिंग से करते हैं स्टार्ट, विच इज फर्स्ट इज 12। अब क्योंकि डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो जो हमारा डी हो जाएगा वो हो जाएगा 3, और जब 12 में 3 प्लस करेंगे तो हम अपनी ए टू टर्म पे पहुंच जाएंगे और वो होगी 15। 15 में 3 प्लस करा 18 एंड सो ऑन। बट जो लास्ट टर्म है, हमें पता है कि सबसे लास्ट टर्म जो होती है दो डिजिट की वो 99 होती है, और 99 3 से डिवाइड हो जाती है। तो लास्ट टर्म होती है ए एन विच इज 99, ए हमारा जो है वो 12 है और डी हमारा 3 है। अब ये पूछ रहा है कितने नंबर, कितने नंबर मींस कितने नंबर 3 के टेबल में आएंगे दो डिजिट के, यानी कि वो हमसे एन पूछ रहा है। हाउ मेनी टर्म्स, यहां पर टर्म्स लिखा हो जाए ना वहां पर, यानी कि हमें एन निकालना है। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए इज 12, एन हमें पता नहीं है वो हमें निकालना है, एंड डी इज 3 एंड ए एन इज 99। जो चीज इधर प्लस हो रही है इधर आके वो माइनस हो जाएगी, कितना आएगा 9 में से बन गए 87। जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है थोड़ा के डिवाइड, एंड जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे सो वी हैव गॉट 29। जो वन इधर माइनस हो रहा है इधर आके वो प्लस हो जाएगा, और हमारा जो एन आएगा
वो आएगा 30। तो यानी कि ऐसे 30 नंबर होते हैं जो दो डिजिट के हैं और तीन के पहाड़े से प्रॉपरली डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर, इन दो नंबर का एचसीएफ अगर 6 है तो इसका एलसीएम क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम हमें नहीं पता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर मींस इन दोनों नंबर का को हमने करनी है मल्टीप्लाई। ओके, तो हमने एचसीएफ की जगह एचसीएफ लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मींस जो दो नंबर दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, इससे हमारा एलसीएम आ जाएगा। जो चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है वो इक्वल टू में जाके इधर आके डिवाइड हो जाएगी। जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 9 पे आता है। वी हैव गॉट 3024। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज की वीडियो के लिए और मैं इन्हीं से रिलेटेड कुछ आपको असाइनमेंट दूंगी जो आपको परफॉर्म करना है। अगर आपसे वो क्वेश्चन हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो उसकी भी डाउट क्लास ली जाएगी।